क्रिकेट में आज तक हमने हर मैच में चौके छक्के मारते और विकेट लेते गेंदबाजों को खुशी मनाते देखा है, क्योंकि वो क्रिकेट ग्राउंड पर सबसे अहम पल होता है। ये हम आपको आज इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जब वो मैदान पर ही रोने लगे थे। क्या था कारण कि वो अपने आंसू नहीं रोक पाए और मैदान पर ही रो पड़े। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है वो खिलाड़ी। विराट कोहली। 2012 टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली भी एक बार रो पड़े थे। दरअसल आपको बता दें कि इस साल 2012 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत तो मिली थी, लेकिन वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा था। इस वजह से विराट कोहली मैदान पर रोते हुए नजर आए थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोहली आज वर्तमान समय में भारतीय टीम के तीनों प्रारूपों में कप्तान हैं। अगला नंबर आता है इंजमाम उल हक का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर इंजमाम उल हक, जिन्होंने 2007 में अपना आखिरी मुकाबला खेला था, और आपको बता दें कि ये उनका विदाई मैच था। इस दौरान जब वो मैदान से बाहर जा रहे थे तो छोटे बच्चे की तरह रोते हुए नजर आए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से भावुक हो गए और रोते हुए नजर आए। उसके बाद जब भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, 28 सालों बाद इतिहास रचा था, उस दौरान युवराज और भज्जी के भी आंसू छलक पड़े थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। ये दोनों खिलाड़ी खुशी भी मना रहे थे और उनकी आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। उसके बाद नंबर आता है विनोद कांबली का। साल 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि सबसे विवादित वर्ल्ड कप में से एक कहा जा सकता है। आपको बता दें कि सेमीफाइनल मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि दर्शकों ने टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के कारण मैदान में काफी हल्ला मचा दिया। इस वजह से श्रीलंकाई टीम को विजेता घोषित किया गया। उसके बाद विनोद कांबली स्टेडियम में रोते हुए नजर आए थे। तो आपने देखा कि खिलाड़ी भी कभी कभी भावनाओं की गहराई में जाकर रो पड़ते हैं। इन तस्वीरों को देखकर शायद आप भी भावुक हो गए होंगे। तो आपको कैसी लगी है भावुक खबर, आप भी अपनी राय दीजिए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।